टीम इंडिया में बड़ा बदलाव, वर्ल्ड कप टीम से बाहर तीन खिलाड़ी, इन तीन की होगी वापसी। टीम इंडिया में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। टीम इंडिया में अब हलचल मचने वाली है, क्योंकि वर्ल्ड कप टीम से तीन खिलाड़ी बाहर हो सकते हैं और तीन खिलाड़ियों को वापस टीम में मौका मिल सकता है जो वर्ल्ड कप टीम में चुने नहीं गए थे। तो पूरा मामला क्या है, चलिए आगे आपको इस वीडियो में बताते हैं। साथ ही उन खिलाड़ियों के नाम भी बताएंगे जो वर्ल्ड कप टीम से बाहर हो सकते हैं और उन खिलाड़ियों के नाम भी बताएंगे जो वर्ल्ड कप टीम में जगह बना सकते हैं। श्रेयस अय्यर, जी हाँ दोस्तों, 10 सितंबर को जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होना था तो आखिरी वक्त तक लग रहा था कि श्रेयस अय्यर मुकाबला खेल जाएंगे, लेकिन अचानक ही खबर आती है कि श्रेयस अय्यर टीम का हिस्सा नहीं है और केएल राहुल खेल रहे हैं। श्रेयस अय्यर बैक स्पैज़म की वजह से टीम से बाहर हो गए और केएल राहुल टीम में अंदर आ गए। लेकिन अब सवाल उठता है कि श्रेयस अय्यर जो पीठ की परेशानी की वजह से लंबे समय से बाहर थे, जब वो टीम इंडिया के साथ जुड़े और उन्होंने सिर्फ एक ही मैच में पाकिस्तान के खिलाफ बल्लेबाजी की, तो अचानक से फिर से उनकी पीठ में कैसे इतनी बड़ी परेशानी आ गई कि वो टीम की प्लेइंग 11 से बाहर ही हो गए, और इसकी क्या गारंटी है कि वो वर्ल्ड कप में भी फिट रहेंगे। ऐसे में श्रेयस अय्यर की पीठ की चोट अगर आगे बढ़ती है तो वो वर्ल्ड कप टीम से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि टीम इंडिया एक चोटिल खिलाड़ी को लेकर तो वर्ल्ड कप में नहीं खेलेगी और ऊपर से अब केएल राहुल फिट हो गए हैं, ऐसे में वो टीम इंडिया का हिस्सा बने रहेंगे। अक्षर पटेल, टीम इंडिया अक्षर पटेल को लेकर विचार कर सकती है, क्योंकि अक्षर पटेल एक तो प्लेइंग 11 में जगह नहीं बना पा रहे हैं और ऊपर से अगर अक्षर पटेल टीम में खेलेंगे तो तीन तीन स्पिनरों का टीम में होने का कोई फायदा नज़र नहीं आता है। ऐसे में टीम इंडिया अक्षर पटेल की जगह किसी प्रॉपर बल्लेबाज को ले सकती है या फिर किसी प्योर गेंदबाज को ले सकती है। अक्षर पटेल हो सकता है कि वर्ल्ड कप टीम से बाहर हो जाए। शार्दुल ठाकुर, जी हाँ दोस्तों, शार्दुल ठाकुर को भी टीम इंडिया से बाहर करने के बारे में विचार किया जा सकता है, हालांकि इसकी संभावनाएं बेहद ही कम है। शार्दुल ठाकुर के ऊपर कप्तान का पूरा भरोसा है, लेकिन शार्दुल ठाकुर नंबर 8 पर खेलते हैं और नंबर 8 पर ना वो एक गेंदबाज के तौर पर ज़्यादा ओवर डाल पाते हैं और नंबर 8 पर ना उन्हें एक बल्लेबाज के तौर पर ज़्यादा बल्लेबाजी करने का मौका मिलता है। तो टीम इंडिया किसी स्पेशलिस्ट बल्लेबाज या फिर स्पेशलिस्ट गेंदबाज को अपनी टीम में शामिल करना चाहेगी, क्योंकि अब हार्दिक पांड्या पूरी तरीके से फिट है और वो बहुत ओवर डाल लेते हैं। ऐसे में शार्दुल ठाकुर को शायद वर्ल्ड कप टीम में बाहर किया जा सकता है, लेकिन इसके चांसेस कम हैं, इसकी सिर्फ संभावनाएं ही हैं। संजू सैमसन, तो अभी तक हमने आपको बताया कि कौन से तीन खिलाड़ी वर्ल्ड कप टीम से बाहर हो सकते हैं, तो अब बात करते हैं उन तीन खिलाड़ियों के बारे में जो वर्ल्ड कप टीम में जगह बना सकते हैं, और एक खिलाड़ी का नाम है संजू सैमसन। संजू सैमसन के साथ टीम इंडिया जिस तरीके का व्यवहार करती है वो समझ से परे है, क्योंकि संजू सैमसन एक टैलेंटेड खिलाड़ी है। पता नहीं इस खिलाड़ी का उपयोग टीम इंडिया क्यों नहीं कर पाती है। संजू सैमसन को लगातार टीम इंडिया से अंदर बाहर किया जाता रहा है, एशिया कप में भी उन्हें ले गए थे लेकिन बीच एशिया कप से उन्हें वापस भारत भेज दिया गया। ऐसे में संजू सैमसन को टीम इंडिया में फिर से मौका मिलना चाहिए और इसकी डिमांड फैंस हमेशा करते रहते हैं। आपको लगता है कि संजू सैमसन टीम इंडिया में जरूर होने चाहिए, तो आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। रिंकू सिंह, जी हाँ दोस्तों, रिंकू सिंह को टीम इंडिया मौका दे सकती है, क्योंकि श्रेयस अय्यर टीम से बाहर हो गए हैं और अब टीम इंडिया देख रही है कि केएल राहुल टीम में अंदर आ गए हैं, तो टीम इंडिया को एक ऐसे खिलाड़ी की जरूरत है जो फिनिशर का रोल निभा सके, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि टीम इंडिया को शुरुआत तो अच्छी मिल जाती है लेकिन उसका अंत भला नहीं होता है। तो रिंकू सिंह ऐसे खिलाड़ी हैं जो टीम इंडिया के लिए बेहतरीन फिनिशर बनकर उभर सकते हैं, तो टीम इंडिया वर्ल्ड कप में रिंकू सिंह को मौका दे सकती है। अर्शदीप सिंह, जी हाँ दोस्तों, अर्शदीप सिंह को भी टीम इंडिया में मौका मिलना चाहिए, क्योंकि टीम इंडिया को एक ऐसे गेंदबाज की ज़रूरत है जो लेफ्ट आर्म पेसर हो, और लेफ्ट आर्म पेसर हमेशा ही जीत की जिम्मेदारी निभाता है, और अर्शदीप सिंह को अगर टीम इंडिया अपने पाले में शामिल करती है, वर्ल्ड कप में ले जाती है, तो वो भारत की ताकत बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। अर्शदीप सिंह के पास विकेट निकालने की क्षमता है। अर्शदीप सिंह एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्हें जब भी टीम इंडिया में मौका मिला है उन्होंने प्रदर्शन अच्छा ही करके दिखाया है। ऐसे में अर्शदीप सिंह को भी भारत की वर्ल्ड कप टीम में मौका मिलना ही चाहिए, लेकिन अर्शदीप सिंह अगर एशियन गेम्स में खेलने जाएंगे तो भारत की टीम के साथ नहीं जोड़ पाएंगे। ऐसे में टीम इंडिया को जल्दी फैसला लेना होगा कि अर्शदीप सिंह को रोकना है या फिर उन्हें एशियन गेम्स में भेज देना है। बता दें कि इस महीने अभी भी भारत अपनी वर्ल्ड कप टीम में बदलाव कर सकता है और इसके पूरे पूरे चांसेस हैं कि टीम इंडिया कुछ बदलाव जरूर करेगी। आपको क्या लगता है किन खिलाड़ियों का बदलाव होना चाहिए, हमें कॉमेंट बॉक्स में राय जरूर बताइए। कौन सा खिलाड़ी बाहर जाए, कौन सा खिलाड़ी अंदर आए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्रिकेट सूत्रा को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन घंटी जरूर बजा दीजिए। वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए।